और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू में दौरा है, जहां पर चुनावी बिगुल वो भी फूंकेंगे और वो भी बताएंगे कि क्यों विकल्प जो है भारतीय जनता पार्टी 2019 के इलेक्शन के लिए सबसे बड़ा बन सकता है महागठबंधन को, जो आप नकार दीजिए क्योंकि विकल्प जो है एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन जम्मू में यहाँ पर जिस तरह से जनाधार जो है भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज भी हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। पहले ये भारतीय जनता पार्टी में थे, यहाँ पर उनके कार्यालय में थे, वहाँ पर ये कार्य करते थे, एक कार्यकर्ता के रूप में काफी काम किया इलेक्शंस में, लेकिन अभी नाराजगी है और जानते क्यों नाराज किए। सर, क्या वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी से आपको नाराजगी? एक तरफ से प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम जो है हर तबके को साथ में लेकर चलते हैं, विकास करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग नाराज है, क्या कहें? देखिए, उसी नारे को लेकर हम भी चले थे, सबका साथ सबका विकास। हमने सोचा जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका भी विकास होगा, तो ऐसा हुआ नहीं है। ये सिर्फ टीवी पर बोलते हैं, नारा देते हैं बोर्डों के लिए। आप मुझे बताइए, सबका साथ सबका विकास कहाँ हुआ? विकास तो इनके जो MLA हैं, इनके मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, मंडल प्रधान हैं, उनका हुआ है। BJP में सटे प्रधान जो रहे, अशोक कोल जी, उनके बाद जो आए दूसरे पंडित जी, तीसरे आए, चौथे आए, पांच पंडित इनके रहे हैं। और ये कहते हैं हम जात पात नहीं करते, बोल ये हर तरीके से करते हैं, जात पात भी करते हैं और सिर्फ अपने आदमी को बेनिफिट देते हैं। इनके आज जो MLA नहीं रहे हैं, ये रूल है, लॉ कहता है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कि उसके बाद इनके पास कोई गाड़ी नहीं रहनी चाहिए, कोई घर नहीं रहना चाहिए। 16-16 लाख की गाड़ी है, 15-15 बंदे इनके साथ जो है, PSO सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी का अगर 40,000 रुपया एक पुलिस वाला ले रहा है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए कि कितने लाख रुपया बना जो इनके पास है। क्यों नहीं हटाई इन्होंने? वन में कितना विकास हुआ, इनके MLA रहे, कितना विकास हुआ? रामनगर में बिल्कुल जीरो है। जो हर्षदेव जी के टाइम हमने उनके खिलाफ काम किया है, BJP का काम किया, पैंथर्स पार्टी के खिलाफ किया था, लेकिन जो भी वहाँ बना हुआ है वो हर्षदेव जी के टाइम का बना हुआ है। जो उन्होंने बनाया था उसकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी कि आप अगर खुद भी अपने मीडिया वाले वहाँ जाओ, आप देख सकते हो। हर्षदेव जी के टाइम वहाँ कॉलेज बना था, यूनिवर्सिटी चली, उसकी क्लासें लगती हैं, यूनिवर्सिटी अलग से बनी, उसका आधा काम हो चुका था। जब से भाजपा सरकार आई है वो काम बंद हो गया। आज लोगों ने अपने एनिमल्स वहाँ पे, भैंसे बकरियाँ ये बांध रखी है वहाँ पर, और सड़कों की हालत इतनी खस्ता है कि इतने खड्डे हैं कि वहाँ बस तक नहीं चलती, छोटी कर दे। तरफ से नितिन गडकरी कह रहे हैं कि समस्त देश को हम सड़कों से जोड़ रहे हैं, परियोजनाएं ला रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपके इलाके में जो है बदहाली है, उस पर आप क्या कहेंगे? कितना विश्वास अब आपको भारतीय जनता पार्टी? मैं ये पूछना चाहूंगा इस पर आपसे कि इनसे पूछिए कि अगर आप इतने काम करवा रहे हैं तो वो गोदाम कहाँ रखा आपने, जो इतने काम करा वहाँ छिपा रहे हो, दिख क्यों रहे हैं? काम करवा रहे हो तो लोगों को दिखने चाहिए ना, या आप गोदाम में रख रहे हो उसको? नितिन गडकरी जी के दूसरों को तो कहते हैं, मुझे लगता है नितिन गडकरी जी अपने घर के आसपास कहीं बना रहे हैं तो पता नहीं। आप पूरे जम्मू की बात करें या रामनगर की बात करें तो वो तो इतनी खस्ता हालत है। जम्मू में भी कहाँ करवा रहे हैं, जो पहले का बना हुआ वही है। अगर उसमें कहीं 2 किलोमीटर आपने कोई ब्लैक टाइपिंग कर भी दी तो सरकार का काम नहीं है क्या? लोग टैक्स नहीं दे रहे? भारतीय जनता पार्टी नहीं तो विकल्प क्या? क्योंकि महागठबंधन एक तरफ बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है, नरेंद्र मोदी एक तरफ है, महागठबंधन एक तरफ है, विकल्प क्या है आपके पास? अब विकल्प जो है, भारतीय जनता पार्टी तो किसी तरह से नहीं रही। जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, छोटी पार्टियां, लोगों का वही विकल्प रहेगा। क्योंकि अगर मुझे खंभा चाहिए या मुझे कोई सड़क के खड्डे भरवाने हैं तो मैं नरेंद्र मोदी जी से नहीं मिल सकता, ये तो आपको भी पता है। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि आपको स्थानीय जो यहाँ पर जो नेता हैं, आपको उनसे मुलाकात करनी है, लेकिन नाम जो है वो मोदी का लिया जाता है, इलेक्शन उनके नाम पर लड़ी जाती है, MP की कोई बात नहीं कर रहा। अब यहाँ पर सीट की बात करूंगी, जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूएंसी पे जुगल किशोर शर्मा लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो है उधमपुर डोडा पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह लड़ रहे हैं। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जुगल किशोर शर्मा जो है उन्होंने कुछ कार्य नहीं करवाए हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कार्य करवाए हैं, आप क्या कहेंगे, कार्य करवाए हैं या नहीं करवाए हैं? यहाँ ये एक दावे है जो पुख्ता करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन आ रही है। सिर्फ दावे हैं, आपको मैं इस बात के सबूत दे सकता हूं कि इन्होंने कोई कार्य नहीं कराए। कार्य करवाए होंगे तो अपने घर के, मुझे बता दीजिए, जितेंद्र सिंह जी 5 साल के बाद आज रामनगर में आए, चलिए मेरे साथ रामनगर में, मुझे 2 काम बता दीजिए जो इनकी तरफ से हुए। अगर सरकार की कोई नीति आई तो कोई इन्होंने पेंट करवा दिया होगा किसी बिल्डिंग को या कोई बिल्डिंग बना दी, तो वो नहीं। मुझे बताइए कि MP ने अपनी तरफ से क्या वहाँ पर बनवाया, 5 रुपये का काम नहीं करवाया। ये सिर्फ दावे करते हैं और जब इलेक्शन आती है पिछले मुद्दे जो जिस पर ये इलेक्शन लड़ते हैं उनको छोड़ देते हैं, एक नया मुद्दा तैयार करते हैं कि लोगों की जो कंसल्टेशन है वो दूसरी तरफ चली जाए, लोग पूछे ना कि जो जनाब आपने पिछली बार बोला था वो कहाँ है। अब आप क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आपने दामन छोड़ दिया है, तो आपके पास विकल्प क्या है? क्योंकि आप भी नेता हैं, आप बोलने की क्षमता रखते हैं, आवाज उठाने की क्षमता। देखिए, मैं कोई नेता नहीं हूँ, ना मैं अपने आप को कभी नेता कहूँगा, मैं एक आम आदमी हूँ, वर्कर जरूर हूँ, ठीक है ना। हम जैसे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर थे, अब हम पैंथर्स पार्टी ज्वाइन करेंगे, और मुझे लगता है हर्षदीप जी से ऊपर कोई विकल्प जम्मू में भी नहीं है। अगर पार्टी का नाम ले, बिल्कुल, अगर हर्षदेव जी
जैसे हमारे निर्मल सिंह जी रहे डिप्टी सीएम, सीएम तो चलो नहीं बन सकता कोई और, वो श्रीनगर का ही बनेगा, मगर अगर डिप्टी सीएम जैसे हमारे निर्मल सिंह जी रहे, अगर हर्षदेव जी सिंह जी अगर 2 महीने भी रहते ना, तो जम्मू की काया जो ही पलट हो सकती थी। बोलने वाले आदमी है, काम करने वाले, यहाँ पर इतना मैंडेट नहीं मिला पैंथर्स पार्टी को, पैंथर्स पार्टी भी यहाँ पर नाकाम। मैंडेट की बात यह है कि एक हवा चली बीजेपी, सिर्फ पैंथर्स पार्टी की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में देखिए क्षेत्रीय जो पार्टियां थी, जो छोटी पार्टियां थी, वो सारी साफ हो गई, सिर्फ वो चली अच्छे दिन आने वाले हैं, इनका नारा था कालाधन वापस लाएंगे, बेरोजगार खत्म हो गई, करप्शन खत्म हो गई। तब नरेंद्र मोदी जी कहते थे बहनों और भाइयों कांग्रेस को 60 साल दिए हैं, मुझे 60 दिन दे दीजिए। मुझे बताइए कि नरेंद्र मोदी जी अच्छे आदमी है, मगर मुझे बताइए अच्छाई से पेट नहीं भरता, मेरे साथ 5 साल चलती है, मैं आपको अच्छी कहानियां सुनाता हूँ, रोटी नहीं दूंगा, क्या मेरे साथ चलेंगी या जिंदा रह पाएंगी? शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इनका साफ तौर पर कहना था कि कहानियों से या दावों से पेट नहीं भरता है, पेट भरता है रोटी से। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू के दौरे पर है, यहाँ पर ये बताया जाएगा कि एकमात्र विकल्प जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, वोटों से नवाजे और उनको दोबारा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो है वो लेकर जाए, काबिज करे। लेकिन ये जनता का एक हक है, जनता का अधिकार है, वो किस तरह से अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, एक वोट की ताकत जो है वो ईवीएम दबाकर किस तरह से करते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से कहा गया था कि कुछ यहाँ पर नेता थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, फारूक अब्दुल्ला ने कहा था ईवीएम चोर है, तो इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए थे, लेकिन साथ ही साथ इस बार जो है वीवीपैट मशीन एडिशन आ गया है उसके साथ, जिससे इलेक्शन कमीशन पर सवाल नहीं उठा जाए। जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट।